हेलो फ्रेंड्स, द स्पाइसी रेसिपी में आज हम मैंगो की दो रेसिपी बनाने वाले हैं। एक तो हम कच्चे आम से बनाएंगे आम पन्हा और दूसरे पके हुए आमों से हम बनाएंगे मैंगो फ्रूटी। दोनों ही समर स्पेशल ऐसी ये रेसिपी है जो कि हम घर पर बहुत इजीली बना सकते हैं। तो चलिए झटपट से देख लेते हैं इसकी इंग्रेडिएंट और इसकी प्रोसेस। हम तो यहाँ पर सबसे पहले हम आम पन्ना बनाएंगे। तो आम पन्ना बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो कच्चे आम ले लिए हैं और इसमें हम 2 कप पानी डाल देंगे प्रेशर कुकर में, और प्रेशर कुकर का जो है वो ढक्कन हम लगा लेंगे और उसके बाद में इसके ऊपर की जो सीटी है उसे भी हम लगा के इसे गैस पर रख देंगे हम, और इसे अब हम 5 सीटी आने तक के जो है वो प्रेशर कुक कर लेंगे हाई फ्लेम पे, और उसके बाद में फ्लेम को ऑफ करके इसे हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे और उसके बाद में जो हमारे आम है उनका हम पल्प निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो आम थे हमारे उसका जो है पल्प निकाल लिया है मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर मिक्सर के पॉट में हम हमारा जो मैंगो पल्प है उसे डाल देंगे और साथ ही में हम इसमें पुदीने के पत्ते डाल देंगे। यहाँ पर 1/2 कप लगभग पुदीने के पत्ते हैं और इसमें हम 1/4 कप जो है वो चीनी डाल देंगे और इसे एक बार हम मिक्सर में अच्छे से घुमा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आम पन्हा का जो पल्प है वो पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब इसमें हम 1 टीस्पून जो है काला नमक डाल देंगे, साथ ही में 1/2 टीस्पून यहाँ पे जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें हरी इलायची का पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, और इन सबको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आम पना है उसका जो पल्प है मतलब कि जो गूदा है अच्छे से मसाले वाला तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसे जो है वो सर्व कर लेंगे। तो सर्व करने के लिए यहाँ पे मैंने ग्लासेस में 1 से 1.5 चम्मच हम ये जो पल्प है हमारा उसे डाल देंगे, उसके बाद में कुछ आइस क्यूब्स डालेंगे और साथ ही में इसमें अब हम पानी डाल देंगे, ठंडा पानी। बहुत ही रिफ्रेशिंग ऐसी ये एक ड्रिंक है समर के लिए। हमारी बॉडी काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है जब हम आम पन्ना पीते हैं गर्मियों के दिनों के लिए। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे ऐसे ही ठंडा ठंडा हमें जो है वो सर्व कर लेना है। आप चाहे तो एक साथ भी पानी में इसे मिलाकर एक बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं, और इसे हम गार्निश करेंगे पुदीने के पत्ते के साथ में। तो हमारा जो आम पन्ना है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसे बिल्कुल ही ऐसे ही ठंडा ठंडा सर्व कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। तो अब हम बनाते हैं मैंगो फ्रूटी जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप जो है वो मैंगो ले लिए, आप किसी भी तरीके का मैंगो इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, और साथ ही में 1/2 कप हम इसमें जो है वो कच्चा आम मतलब कि कच्ची कैरी डालेंगे, और उसके बाद में 1/2 कप हम इसमें जो है वो चीनी डाल देंगे और साथ ही में इसमें हम 2 कप जो है वो पानी डाल देंगे। और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और उसके बाद में इसका ढक्कन लगा देंगे हम और इसे हाई फ्लेम पे हमें 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेना है। तो 10 मिनट हो चुके, आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा बॉईल आ गया है। एक बार हम देख लेते हैं कि आम हमारे अच्छे से गल गए हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं आम हमारे जो है वो गल गए हैं। तो गैस को अब हम बंद कर लेंगे और इसे अब हम पहले तो छान लेंगे। तो यहाँ पे एक छन्नी में इसे हम जो है अच्छे से छान लेंगे और उसके बाद इसे हम पूरी तरीके से जो है वो ठंडा करने के लिए रख देंगे इस पल्प को। तो आम हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो एक मिक्सर के पॉट में इसे अब हम डाल लेंगे
और इसे अच्छे से अब हम जो है ब्लेंड कर लेंगे, एक अच्छी सी प्यूरी इसकी बना लेंगे हम हमारे मैंगोज़ की। और फिर से एक बार हम जो पल्प है उसे छान लेंगे एक छन्नी में, ताकि अगर थोड़ा सा भी मैंगो का टुकड़ा इसमें रह गया होगा तो वो ऊपर ही रह जाएगा। तो इस तरीके से अच्छे से हमें जो है वो छान लेना है, एकदम इवन टेक्सचर इसका आ जाएगा। और जब हम इसे मिक्सर में घुमा रहे हैं तब हमने जो पानी पहले इसमें निकाल लिया था वो भी इसमें डाल सकते हैं। और इसमें अब मैं 4 कप जो है वो पानी डालूंगी, ये ठंडा पानी है, और इसे अच्छे से हमें जो है वो अब मिक्स कर लेना है, ताकि जो पल्प है वो अच्छे से पानी में डिजॉल्व हो जाए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये डिजॉल्व हो गया है। और इसे अब हम 2 घंटों के लिए जो है वो रेफ्रिजरेट कर लेंगे, तो इसे अब हम फ्रिज में रख देंगे 2 घंटों के लिए। तो 2 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ इसका एकदम टेक्सचर दिख रहा है। तो हमारी फ्रूटी जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे भी जो है वो सर्व कर लेंगे ग्लासेस में डालकर। आप इसे बॉटल में स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। इस तरीके से हमारी जो फ्रूटी है बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपको अगली रेसिपी वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।